बच्चों हम लोग 12th बोर्ड के 2010 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए अपने पास में एक क्वेश्चन है, ये तो आप जरा कोशिश करें समझने की। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बार बार आता है वो सवाल। अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, है ना? तो आप वहां से उठा ले मैं उस डेफिनेशन को एग्जैक्ट। इसके बाद में इजिटर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अमाउंट और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये सब बातें हम आपको पिछली क्लास में, वो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आगे इन्होंने कहा है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट अ डिस्टेंस डी बाई टू डायरेक्टली अबाउट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड डी एज शोन इन फिगर, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखिए द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23 का ये पार्ट, द पॉइंट हाइट डी बाई टू, हाइट डी बाई टू एट डी बाई टू एंड स्क्वायर इज ऑफ साइड, एंड स्क्वायर इज ऑफ साइड डी। दिस सिचुएशन कैन बी एज्यूम्ड, कैन बी एज्यूम्ड एज इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड डी। बात बड़ी क्लियर है कि जैसे ये आपका क्यू चार्ज डी बाई टू हाइट पर है और ये सेंटर डी, तो अगर स्क्वायर आपका डी साइड का है और डी बाई टू हाइट पर आपका चार्ज है तो नेचुरल अगर आप चारों तरफ स्क्वायर लगा दें तो एक क्यूब बन जाएगा, है ना? सिक्स स्क्वायर लगा के। तो मींस द टोटल फ्लक्स, मींस द टोटल फ्लक्स फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग दी सिक्स फेसेस ऑफ डी क्यूब। सिक्स फेसेज होती है। तो देखिए फाई जो आपका आएगा ना वो आएगा क्यू अपॉन, सॉरी स्मॉल क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर आंसर, दिस इज योर आंसर। फाई टोटल जो है ना वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? आप यहां पे अगर चाहो तो एक स्टेप पहले और लिख सकते हो कि हियर फाई टोटल इज Q upon epsilon naught, so phi per phase, it is equal to Q upon 6 epsilon naught, and this is flux through the given square. Yeah, I wrote down.
ये आपका आंसर आ गया राइट। चलिए आगे, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, तो वापस वही बात हो गई है ना। हाँ भाई, एवरीथिंग इज डबल। तो देखिए इसका 23 का बी पार्ट, 23 का बी पार्ट एवरी डायमेंशन इज डबल्ड, एवरी डायमेंशन इज डबल्ड। सो अगेन the given charge will be there at the center of imaginary square of side 2D, है ना। तो every dimension is doubled, so again the given charge will be there at the center of imaginary square of side 2D. So again the total flux, total flux क्या होता है, q upon epsilon naught will be divided in six faces, divided among six faces, है ना, among six faces, तो अगेन फिर से five face जो आएगा ना, भाई टोटल जो है वो तो है आपका क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, देखो वो तो है, लेकिन फाइव पर फेस इक्वल टू फाइव स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर है, तो इसमें सिक्स का भाग लगा दो, क्यू ओपन सिक्स एप्सिलॉन नॉट इज आंसर, अगेन आंसर इज दिस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था ना, बड़ा ही छोटा सा सवाल था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल जो है ना, अच्छा लेकिन इसमें दो पार्ट है, तो यानी कि काफी हो गया, आगे तो फिर ये भी है ना, नहीं ये दोनों मिल गए, हाँ सही है, दोनों हो गया कंप्लीट, ए और बी दोनों सॉल्व हो गए, है ना। तो ए में क्या था, स्क्वायर की साइड डी थी, बी में क्या हो गया, स्क्वायर की साइड टू डी हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्लक्स नेवर डिपेंड्स अपॉन दी साइज ऑफ सरफेस और साइज ऑफ दिस एनक्लोज सरफेस, हियर दिस कैन बी नॉट एट, हियर दिस कैन बी नॉट एट, दैट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस साइज ऑफ the enclosing surface, हाँ जी, उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23, आगे चलिए 24 देखिए। यूज गॉस लॉ टू डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी। दिस देखो बड़ा, ये अब ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट होकर आ रहा है, एक्चुअल में 12th बोर्ड में सवाल दोबारा रिपीट हो करके आते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस वही सवाल घूम घूम के आने वाला है। ये सवाल मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज। देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। बी वाला 24 में ए तो देखो हम पहले कर चुके, बी मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि हमने डेराइव किया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमने डेराइव किया था, इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन आर, और जब ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, तो ई वर्सेस ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ आप बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं,
ई और आर में ग्राफ ऐसा आएगा एंड दैट ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर आएगा राइट. फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन टू आर टू. गुड. देखिए अब आपको देखिए ई जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी बिटवीन ई एंड वी. अब आपको यहां बताना पड़ेगा ई क्या है और वी क्या है, वहां पर बताना पड़ता है बेटा हर चीज. ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर हर चीज लिखनी पड़ती है. ई को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी को कहते हैं पोटेंशियल राइट. तो रिलेशनशिप क्या है, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर. देयरफॉर डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर. इसलिए वी इक्वल टू क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ से तो डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर ये आएगा. अब आप समझने की कोशिश करें, इसकी आप लिमिट लगाएंगे वी वन से वी टू तक इसकी लिमिट लगाएंगे आर वन से आर टू तक, बस इस तरह से करेंगे आप लिमिट. अब आप देखो इसको मैं कहूंगा वी टू माइनस वी वन बराबर माइनस ई को कहेंगे बेटा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये डी आर है, ये डी आर है. फिर मैं क्या कहूंगा इसको, इसको मैं कहूंगा डेल्टा वी बराबर माइनस लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप यहां आर वन से आर टू तक बोले रहे हैं, आपका ये आएगा लॉग ऑफ आर, आर वन से आर टू तक लिमिट है. कुल मिलाकर के आपके पास में डेल्टा वी आएगा माइनस लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ आर वन अपॉन सॉरी आर टू अपॉन आर वन आएगा. इसको आप चाहो तो फिर आप इसको लिख सकते हो प्लस लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ आर वन अपॉन आर वन, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो. यही आपका सवाल था तो उसका जवाब बन गया है राइट. फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन टू आर टू, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन राइट. तो इस तरीके से आपको वर्क डन करना पड़ेगा ठीक है. डन आगे बढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. हाँ ये अलग सवाल है. देखिए ये क्वेश्चन 25 जो है ना अलग क्वेश्चन है जो हमने अभी तक नहीं किया है तो उसको हम कर देते हैं. सबसे पहले हम इनफाइनाइट चार्ज शीट लेते हैं. तो कंसीडर एन इनफाइनाइट चार्ज शीट. ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ठीक है ना. अब देखिए इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं कि ये आपकी इनफाइनाइट चार्ज शीट है और इसको मैं बस इस तरीके से ऐसे ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब इनफाइनाइट है ठीक है. इसके ऊपर इनफाइनाइटली चार्ज शीट है लैम्डा सिग्मा है राइट. अब इन्होंने कहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो पता है क्या करेंगे हम, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको मैं यहां रख देता हूं ना, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज टू द इनफाइनाइट चार्ज सीट है ना. वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एरिया ए ऑफ द सीट एंड एनक्लोज इट एज शोन इन फिगर. तो देखो बेटा ये जो सीट है ना इसमें आप एक छोटा सा टुकड़ा यहां से ले रहे एरिया ए का, तो ये एरिया ए का हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया
अब इस एरिया ए को आप एनक्लोज करिए, तो ऐसे एनक्लोज करेंगे, यहां पे एक सिलेंडर बना देते हैं, इधर से भी इधर से भी, ऐसे। अब देखो अगर आप यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, यहां पर अगर आप एरिया लेंगे तो आपका डीए इधर आएगा, तो ये ई वेक्टर और ये डीए वेक्टर है, राइट। यहां पर अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो आपका ई वेक्टर इधर आएगा, राइट। अगर आप कर्व सरफेस पर छोटा सा एरिया लेते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर आएगा, यानी कि डीए वेक्टर आपका यहां पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। इधर भी अगर आप यहां पर जो है एक प्लस यूनिट चार्ज रखते हैं तो ई वेक्टर इधर जाएगा और ए वेक्टर भी इधर जाएगा, यानी ये दोनों को पैरेलल होंगे और ये दोनों पैरेलल होंगे। तो देखिए लुक एट दी सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स, सिलिंड्रिकल बॉक्स बोल दे तो या पिल बॉक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स या बॉक्स बोल दो, इट मेक्स नो डिफरेंस। लुक एट द सिलिंड्रिकल बॉक्स, ओके, लुक एट द सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एरिया ए, राइट। चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, चार्ज एनक्लोज हो गया, चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए ई डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर आर पैरेलल और सेम ई एंड डी ए, डायरेक्शन ऑफ ई एंड डी ए, E vector and DA vector are parallel or same, or same. So direction of A vector and DA vector are parallel or same for flat ends. But on curved surface, E vector and DA vector are, E vector and DA vector are perpendicular. तो देखिए, phi for the flat ends. It is equal to E vector dot DA vector. और इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कहेंगे कि E vector DA EDA cos 0, इंटीग्रेशन EDA आएगा, E को आप बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन DA आएगा फ्लैट सरफेस के लिए, है ना। phi for curved surface. It is equal to integration E vector dot DA vector. इसमें आएगा integration E DA cos 90. तो ये बड़ा जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और जब ये जीरो आ जाएगा तो कुल मिला के क्या होने वाला है, कुल मिला के ये होने वाला है कि now as per Gauss law, phi total, it is equal to integration E vector dot DA vector, और ये बराबर आएगा Q upon epsilon naught, Q बराबर है sigma A upon epsilon naught, है ना, sigma A upon epsilon naught।
अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बाद इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए कर्व सरफेस, कर्व सरफेस प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फॉर फ्लैट सरफेस और फ्लैट सरफेस राइट, दो फ्लैट सरफेस है, ये आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा ध्यान दो, ये वाला तो आपका जीरो आ गया, ये वाला तो आपका जीरो आ गया, पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया। टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसको हमने पहले ही कह दिया ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो ये फ्लैट सरफेस है, ध्यान देना फ्लैट सरफेस दैट इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको फ्लैट एंड्स भी लिख सकते हो, इसको फ्लैट एंड्स भी लिख सकते हो है ना। अब आप आगे लिख देंगे ई को बाहर और इसको लिख देंगे ट्वाइस ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस गिव्स अस ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है करेक्ट। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन करेंगे। ये नया सवाल था तो मैंने पूरा करवाया है इसको, और बाकी तो सवाल रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब देखते हैं जरा 26 क्वेश्चन क्या है। 26 क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट हेंस द शो दैट। अरे ये तो वही सवाल वापस से आ गया है जो हम कर चुके हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट के दोनों डेरिवेशन हम कर चुके हैं, डाइपोल के इक्वेटर लाइन वाला भी और एक्सियल लाइन वाला भी दोनों कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर्स देखिए है ना। ये तो सवाल रिपीट होकर के आएंगे ही आएंगे, बोर्ड का मतलब ये है सवाल रिपीट होकर के आएगा। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा सवाल ये उठता है आप ये पूछेंगे सर जब सवाल रिपीट होकर के आता है बार बार तो आप इनको बार बार क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में अलग अलग जगह पर आया है, इससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन सके, आपको लगे कि हाँ ये है। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन दिस फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज एनक्लोज्ड। बेटा देखो ये है ना, अभी पिछली बार पिछले वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था सी एक्स आई कैप और यहां था ए और यहां था ए, तो अब सुनिए यहां पर क्या होगा, इसमें से जीरो आएगा प्लस है। हाँ तो देखो इस सवाल को मैं कर ही देता हूं, बहुत छोटा सा सवाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट मैं कर दे रहा हूं, 26 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए। फॉर लेफ्ट सरफेस, फॉर द लेफ्ट सरफेस ऑफ द क्यूब, फॉर द लेफ्ट सरफेस ऑफ द फॉर द लेफ्ट सरफेस ऑफ द क्यूब, देखो बेटा लेफ्ट सरफेस ऑफ द क्यूब के लिए e इक्वल टू ट्वाइस एक्स आई कैप, तो मैं लिखूंगा इसको ट्वाइस एक्स की जगह जीरो लिखूंगा आई कैप, e इक्वल टू जीरो है इसलिए फ्लक्स फाई इन, यहां पर e नहीं होगा फाई और वो जीरो आएगा क्योंकि e ही जीरो है राइट। फॉर द राइट सरफेस इस तरह का कैलकुलेशन हम पहले कर चुके थे लेकिन उस कैलकुलेशन में और आज की कैलकुलेशन में अंतर है इस वाली कैलकुलेशन में, फॉर द राइट सरफेस इसीलिए मैं सवाल को करा दे रहा हूं। पहले क्या था कि जो ये लेफ्ट वाली सरफेस थी ना ये ओरिजिन पे नहीं थी, वो यहां से स्टार्ट होती थी स्क्वायर आगे बढ़ता था, आप देखिए पहले वाला केस ऐसा था समझ रहे हैं, पहले वाला केस में स्क्वायर इधर था, आज ये स्क्वायर यहां देख लिया, यानी कि ये थोड़ा सा इन्होंने अंतर कर दिया है। तो अब पहले वाला जो लेफ्ट सरफेस है उसका फ्लक्स जीरो है लेकिन राइट सरफेस का फ्लक्स आएगा, फॉर द राइट सरफेस ऑफ द क्यूब। अब यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फाई आउट आएगा, फाई आउट आएगा तो वो क्या आएगा आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मैं कहूंगा ई को टू एक्स की जगह क्या लिखूंगा एक्स की जगह अब की बार ए लिखूंगा है ना, एक्स की जगह ए लिखूंगा बेटा, एक्स की जगह ए लिखूंगा और आई कैप लिखूंगा डॉट, फिर यहां ए स्क्वायर लिखूंगा और आई कैप लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा ट्वाइस ए, ट्वाइस ए क्यूब, ये पिछले वाले सवाल का सोल्यूशन है तो ट्वाइस ए क्यूब लिखूंगा इसको। अब जब इसको मैं लिखूंगा तो नेट फ्लक्स आ जाएगा फाई नेट, क्योंकि फाई इन तो जीरो था तो फाई आउट ही रहेगा बस है ना, तो ये आएगा आपका
टू ए क्यूब माइनस जीरो, ये फाई नेट आया बेटा। एक आंसर तो आपका ये आ गया टू ए क्यूब, है ना। इसकी आप यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, देखो यूनिट हमेशा लिख देनी चाहिए। तो ये आपका एक आंसर आ गया, एक आंसर। दूसरे में इन्होंने चार्ज पूछा है। अब देखिए एज पर गॉस लॉ, एज पर गॉस लॉ, तो एज पर गॉस लॉ फाई नेट इट इज इक्वल टू ट्वाइस ए क्यूब इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो क्यू आ जाएगा ना इसके अंदर क्यू, वो आएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, दिस इज योर आंसर। यानी इसके दोनों आंसर आ गए, है ना। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही था, बस लेकिन अंतर यहां ये पड़ गया कि पिछले सवाल में यहां जीरो नहीं था, अब की बार में यहां जीरो है पहले वाले में, ठीक है। राइट वाले में तो ग्राफ निकाल ही रहे हैं, राइट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही चीज आ गई, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर चुके हैं, राइट इट्स एसआई यूनिट। हाँ ये बात है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट लिख लेनी चाहिए। और मैं बहुत बार बता चुका हूं फ्लक्स, फ्लक्स बराबर होता है ई ए, मैंने बताया ई बराबर होता है न्यूटन पर कूलोम और ए बराबर है मीटर स्क्वायर। इसको आप किस कह सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलोम, है ना। न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं जूल अपॉन कूलोम इंटू मीटर, यानी ये आ जाएगा जूल अपॉन कूलोम को कहते हैं वोल्ट। तो वोल्ट इंटू मीटर इज दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप ये भी ऐसा यूनिट है, दोनों सेम ही चीज है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज इज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। हाँ ये ध्यान दीजिए कि अपना जो टोटल फ्लक्स जो चार्ज से क्रिएट होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। इन्होंने कहा है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज इज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। तो ध्यान दीजिए सबसे इजी जो एग्जांपल है वो आप पॉइंट चार्ज ही ले लीजिए, है ना। पॉइंट चार्ज ही ले लीजिए, अगर पॉइंट चार्ज है और आपका पॉइंट चार्ज जो है इसके अंदर यहां पर है ना। अब आपने इसके चारों तरफ अगर एक स्फीयर स्फेरिकल शेप का बना दिया, चाहे उसकी रेडियस कुछ भी है, अननोन रेडियस है, अननोन रेडियस है, तो आपका जो ई आता है वो आता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपका ई आ गया, ई आ गया। अब आपका फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा आपका ई ए, तो ई कितना है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो है ही, ए की जगह आ जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपका जो फ्लक्स आया है फाइव वो क्या आ गया है, आप इसको कैलकुलेट करिए आर स्क्वायर यहां भी है, सॉरी ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये बेसिकली आर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज। अच्छा तो हेंस फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, एक तो काम आपका यहां हो गया, डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। ठीक है, तो आप देखिए सवाल में डेफिनेशन हम कर चुके थे, राइट वो कर दिया अपने। अब हमने इसमें एक चीज क्लियर कर दी, साइज पर डिपेंड नहीं करता, अब हमें क्लियर करना शेप पर भी डिपेंड नहीं करता, शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए क्योंकि क्यू एक पॉइंट चार्ज है, एज द पॉइंट चार्ज, एज द पॉइंट चार्ज इज, पॉइंट चार्ज इज प्रोड्यूसिंग, एज द पॉइंट चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो whatever be the regular or irregular, whatever be the regular or irregular shape of
the enclosed surface. Shape of the enclosed surface. Surface. All the electric field lines. All the electric field lines. Lines. All the electric field lines will certainly. All the electric field lines is to emerging. Emerging out due to point charge. Will certainly cross, will certainly pass through the surface, through this surface, through the surface, irrespective of say. देखो बात बड़ी क्लियर है. जैसे मान लो आपने बल्ब जलाया, अब अगर मान लीजिए आपका बल्ब 100 वॉट का है, अब आपका कमरा कैसा भी हो उसमें वो 100 वॉट की पूरी पावर जो है ना एक्सपेंड होगी, उसमें पूरी की पूरी पावर उसमें कमरे में जाएगी, चाहे कमरा छोटा हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सर्कुलर कमरा हो, चाहे जैसा भी कमरा हो. कमरा आप सिलिंड्रिकल भी बना सकते हैं, ये सीन है. तो इट इज इंडिपेंडेंट, राइट. चलिए अगला देखो क्या है. Use Gauss law to prove the electric field inside a uniformly charged spherical cell is zero. अब इसमें क्या प्रूव करना है? देखो, inside a spherical charged cell. तो ध्यान दीजिए, question number 27 का second part. ये बड़ा एक spherical charged cell है. इसमें charge सारा के outside layer पर है. No charge is inside. हाँ? तो देखिए. As per Gauss law, phi equal to integration E vector dot dA and it is equal to Q upon epsilon dot. At any point inside, at any point, inside a cell. If we construct a spherical Gaussian surface, then the enclosed charge is zero. Enclosed charge is zero. Therefore, integration E vector dot dA vector it is equal to zero upon epsilon. So it is zero. So therefore E will be zero. कोई electric field intensity नहीं होगी उसमें. कोई electric field intensity नहीं होगी इसमें. Right? चलिए. तो ये आपका जो है ना 27 का फर्स्ट वाला भी हो गया और सेकंड वाला भी हो गया. थोड़ा सा ये 27 का जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से करना, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो रहा है. हमने पिछला वाला आंसर भी टेक्निकल ही दिया था और ये वाला आंसर भी टेक्निकल ही दिया है. आगे देखिए. डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल और डायपोल मोमेंट पी इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो बेटा फिर रिपीट हो गया सवाल, है ना. ये पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं तो दोबारा करने की कोई फायदा नहीं है, वही टाइम क्यों खराब करें, है ना. देखिए आप लेक्चर्स को दोबारा, पिछले लेक्चर्स को मिल जाएगा किसी ने किसी लेक्चर में, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कौन से लेक्चर में है. कंसीडर द टू होलो स्फेरिक कॉन्सेंट्रिक सेल एनक्लोजिंग चार्ज Q2 एंड Q4 रेस्पेक्टिवली. फाइंड द, ये भी सवाल हम कर चुके हैं, पहले ही हो चुका. हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इफ, ये भी कर चुके हैं, तो कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ठीक है. ये बिल्कुल हम दोनों सवाल कर चुके हैं, है ना. हो सकता है वहां पे चार्ज Q1 Q2 हो, या हो सकता है वहां पे चार्ज Q2 Q हो, मतलब ये तो देखो हो ही सकता है ना. या शायद 2 Q 4 Q ही है, मेरे को लगता है क्वेश्चन में, है ना. याद है मेरे को 1/3 तो उसका रेशियो आया था और S1 के अंदर हमने, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया था, तो
जो S1 के कारण जो वो होगा ना इसमें से निकलेगा, इन्होंने कहां का सरफेस भरा है बीच में, S1 चेंज, S1 के अंदर भरा है बेटा मीडियम, S1 में भरा है ना, तो एप्सिलॉन आ रहेगा, 1/ε आ रहेगा रेशियो का, और अगर आपने बाहर भरा है तो फिर सेम रेशियो आएगा। ठीक है, ये कर चुके हैं हम, दोनों सवाल किए हैं हमने, अंदर वाला भी किया है, अंदर भरने वाला भी, बाहर भरने वाला भी किया, इसके अंदर भरने वाला भी किया है, आप देखिए लेक्चर्स को, पिछले लेक्चर्स में किए हुए हैं। अब अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये सब बड़े रिपीट रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं ना एक्चुअल में, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अगर एक बार जो है ना क्वेश्चन कर लिए एक एक बार, तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए ये वाला, यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल। देखिए आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, ये दोनों हम कर चुके हैं अलग अलग। इनसाइड द सेल तो अभी थोड़ी देर पहले किया, पिछले सवाल में, पिछले सवाल में इनसाइड द सेल किया ना बेटा, ये रहा इनसाइड द सेल, तो हमने जीरो प्रूव किया था। और उससे पिछले वाले जो क्वेश्चन थे जो कि हमने पिछले लेक्चर में किए, उसके अंदर आउटसाइड का किया था, है ना, तो आप देखिए उसके अंदर, तो ये सवाल कर चुके हैं पूरा का पूरा 29 में। 30 देखिए, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से वही सवाल, ये पता है, ये मैं आपको इसलिए सवाल दिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि अगर हमने एक एक बार सवाल कर डाले तो निश्चित रूप से आप बोर्ड का पेपर जोरदार कर गया होगा। अ स्मॉल मेटल सरफेस कैरिंग चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड अ लार्ज कंडक्टिंग मेटलिकल स्फीयर, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P2। अच्छा, देखो ना, P1 पर आपको अगर फाइंड आउट करना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। ये आपका, एक मिनट में दोबारा बनाता हूं, ये आपका एक स्फीयर और ये आपका स्फीयर, ये मेटल यहां पर है, यहां वैक्यूम है, तो यहां पर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब आपको अगर यहां स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यूज द गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P2। तो मैं देखिए P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, यहां पे P1 ये पॉइंट है, राइट, तो मैं यहां एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दे रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन पहली बार दिख रहा है, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है, लेट लेट P1 P1 इज एट P1 इज एट रेडियल डिस्टेंस, P1 इज एट रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम चार्ज क्यू, फ्रॉम चार्ज क्यू, डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू, फ्रॉम चार्ज क्यू, क्यू से बेटा डिस्टेंस स्मॉल आर पर है। अब जब क्यू से डिस्टेंस स्मॉल आर पर है तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस, कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर। नाउ नाउ एविडेंटली, नाउ एविडेंटली, बिल्कुल एविडेंटली है, एविडेंटली द चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड इज प्लस क्यू, द चार्ज एनक्लोज्ड इज प्लस क्यू, सो सो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको फिर आप वही सब कुछ लिखेंगे जो पुराने जमाने में हम लिखते थे, क्या ई डी ए कॉस जीरो, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इस तरह की बातें हमने पिछले सवालों में भी की हुई है कि यहां पर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पर इसका डायरेक्शन इधर आएगा ई वेक्टर का, और आप अगर यहां छोटा सा सरफेस एरिया रखेंगे डी ए का डायरेक्शन इधर आएगा,
तो आपको ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की डायरेक्शन दिखा देनी चाहिए। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, जैसे हमने पिछले सवालों में लिख रखा था, क्या ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एंगल थीटा इज जीरो। पहले भी क्या था ना बेटा, सब तो ई को आप बाहर निकाल दीजिए। क्यों ई को बाहर क्यों निकाला? सिमेट्री के कारण, वो भी आप वहां लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, डी ए इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आप जब इसको लिखेंगे तो ई डी ए को लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के आपके पास में ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वन, यह आएगा आपका, यह आएगा आपका, व्हाट हैपेंड, यह आएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यह आएगा आर स्क्वायर। अब देखिए, अब आपके पास में ये एक आंसर आ गया आपका, सो दिस इज आंसर वन। अब इन्होंने दूसरा पॉइंट पकड़ा है मेटल के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे सेकंड पॉइंट पी टू, सेकंड पॉइंट पी टू इज इन साइड द मेटल, सेकंड पॉइंट पी टू इज इन साइड द मेटल, इन साइड द मेटल। सो देखिए अब आप, ये आपका सीन था, यहां पर क्यू था प्लस, तो यहां पे माइनस क्यू क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब अगर अपन एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं पी टू से पास होती हुई, है ना, तो देखिए नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, ध्यान दो बेटा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी टू, पी टू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फाइ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज जीरो अपॉन एप्सिलॉन दैट इज जीरो, देयरफॉर ई विल बी जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है। ये आपको जो है ना यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये देखो, ये ज्यादातर तो क्वेश्चन है ना 90% 80% रिपीट ही होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जरा ये क्या है, ये क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एज अ यूनिट, फिर से वही चीज आ गई। यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट, यस। ये चीज जो है ना हम पहले प्रूव कर चुके हैं, और हमारा आंसर आया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हमारा आंसर आया था, डेरिवेशन किया था हमने। बस आपको यहां ये लिख देना है कि ई डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन, अपॉन पोजिशन और डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन और डिस्टेंस, पोजिशन और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड, बेटा एक बात सुनो, अब इसको हम क्या बताएं, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन अवे टू द सीट होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स द सीट होता है। अब इसमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिवली चार्ज के कारण अवे टू द सीट, डायरेक्टेड अवे टू द सीट, ठीक है, डायरेक्टेड अवे टू द सीट, और नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सीट, आगे है स्टेट गॉस लॉ यूज इट टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल एट पॉइंट्स, वही सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, है ना। मेरे को लग रहा है ये सारे सवाल दोबारा आ चुके हैं, मतलब देखो फिर से ये सवाल आ गया, हमने जो शायद पहला लेक्चर किया था या दूसरा लेक्चर किया था उसमें 4q और 10q चार्ज था, फिर ए को हमने सी को टच कराया था पहले ए से, फिर बी से कराया था, फिर शायद दोनों को अलग अलग कराया था, मतलब कुछ इस तरह की बात है। तो ये सवाल भी हम कर चुके हैं, आप देखिए पिछले लेक्चर्स में, है ना, यानी कोई खास बात नहीं है,
अब अपने पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हैं, तो एक लेक्चर इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और बनेगा, उसके बाद इस लेक्चर के सारे सवाल हो जाएंगे खत्म। ठीक है, चलिए, नमस्ते।